नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष को हरि तालिका तीज कब है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं हरि तालिका तीज भादो मास में कब है। हरि प्रेमियों, भाद्र पद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरि तालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन स्त्रियां भगवान शिव, भगवान गणेश और मां पार्वती की पूजा करती हैं और अपने सुखी वैवाहिक जीवन और अपने बच्चों की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। हरि तालिका तीज मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान में मनाई जाती है। इस तीज का बड़ा महत्व है। हरि तालिका तीज से पहले हरियाली तीज और कजरी तीज भी मनाई जाती है। इसका सुबह का समय सबसे उचित माना गया है। अगर आप किसी कारणवश सुबह पूजा नहीं कर सकते तो प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। तीज की पूजा सुबह स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर की जाती है। भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमा को विधिवत पूजा की जाती है और इस हरि तालिका तीज व्रत की कथा सुनी जाती है। इसका महत्व है, हरि तालिका तीज व्रत के पुण्य के प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जला और निराहार व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं और सुना है और कहते भी हैं कि इस व्रत को रखने से कुंवारी कन्याओं को भी मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। हरि तालिका तीज तृतीय तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:08 पर शुरू हो जाएगी और 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर खत्म हो जाएगी। उदय तिथि मान्य होने के कारण हरि तालिका तीज 18 सितंबर को ही मनाई जाएगी। हरि तालिका तीज का शुभ मुहूर्त है 18 सितंबर को सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट की ही होगी। हरि तालिका तीज की जो पूजा विधि है वह इस प्रकार है। हरि तालिका तीज को भगवान शिव, भगवान गणेश और मां पार्वती की पूजा की जाती है। आप सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा यानी मूर्ति बनाई और भगवान गणेश को तिलक लगाकर दुर्वा जरूर चढ़ाए। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, शमी के पत्र जरूर अर्पण कीजिए और मां पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरि तालिका तीज की व्रत की कथा सुने। इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें, भगवान शिव और मां पार्वती की भी आरती जरूर उतारे और उसके बाद भोग लगाए। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।